भारी मात्रा में चरस की तस्करी के मंसूबे पर कर्णप्रयाग पुलिस ने फेरा पानी। लाखों की चरस के साथ एक आरोपी को धर दबोचा। चमोली पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हासिल करने में कामयाबी मिली है, जब एक चरस तस्कर को वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें पास भारी मात्रा में चरस का जखीरा बरामद किया गया। दरअसल पुलिस अधीक्षक चमोली प्रेमेंद्र डोभाल द्वारा जनपद में लगातार नशे के सौदागरों पर कार्रवाई करते हुए युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक चमोली द्वारा सभी थाना चौकी प्रभारियों को अधिक सतर्कता बरतते हुए चेकिंग कर मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके अनुपालन में चमोली पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग कर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले पर कार्रवाई की गई। नशा मुक्त होगा चमोली हमारा अभियान को सफल बनाते हुए पुलिस अधीक्षक कर्णप्रयाग अमित कुमार सैनी के पर्यवेक्षण में थाना कर्णप्रयाग पुलिस द्वारा पूछताछ एवं चेकिंग की गई तो कब्जे से 1 किलो 500 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 1,50,000 रुपये आकी जा रही है। अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली कर्णप्रयाग पर पंजीकृत किया गया। बरामद चरस की कुल कीमत लगभग 1,50,000 रुपये आकी गई है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम की सराहना करते हुए पुलिस अधीक्षक चमोली द्वारा उत्साहवर्धन के लिए टीम को 2,500 रुपये के पारितोषित देने की घोषणा की गई है। मैं मुख्यालय से प्राप्त लगातार जो हमें निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, उसमें हमारे द्वारा प्रत्येक सर्कल पर टीम बनाई गई है जो नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई या उनके प्रिवेंशन के लिए लगी है। इस संबंध में आज क्षेत्राधिकारी कर्णप्रयाग और उनकी टीम ने आज मिलकर चेकिंग के दौरान करीब 1 व्यक्ति से 1.5 किलो के आसपास में चरस बरामद हुई है। उसके 8/20 एनडी के सेक्टर में मुकदमा कायम किया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं वैधानिक, और साथ में काफी कमर्शियल क्वांटिटी से ऊपर ये मिला है, तो इसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई भी हमारे द्वारा। खबर भारतवर्ष के लिए कर्णप्रयाग चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।